एक साहब भी आते हैं, कुर्ता उठाकर अपने पेट दिखाते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह भूख कितनी है, कितनी है कि मैंने अपने पेट पर पत्थर बांध लिया है। मेरे आका फरमाते हैं मेरे भाई सब्र करो, सब्र करो, और अपना कुर्ता उठाकर दिखाते हैं, आपके शिकर मुबारक पर एक नहीं दो पत्थर पड़ते हैं। ये उम्मत भूखी नहीं मर रही है, इसके बावजूद बेईमाना है। ये उम्मत भूखी नहीं है, इसके बावजूद मिलावट है। ये उम्मत भूखी नहीं है, इसके बावजूद झूठी कस्में हैं, धोखा नहीं है। नबी का कभी ख्याल नहीं आता, नबी क्या करके गए, नबी ने क्या कहा था, हम क्या कर रहे हैं। रात को आँख खुल जाती है, मेरे और आप क्या पलक पर खाट पर बैठे हुए, कभी इधर होते हैं कभी इधर होते हैं, और पेट को ऐसे लगाते हैं कभी इधर। हम आए से पूछती हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं आयशा रही है, आज 3 दिन हो गए तेरे शवा के पेट में एक डोमा मिला। तेरे भाइयों अगर हम बेईमाना करते हुए, झूठ बोलते हुए, धोखा देते हुए अपने नबी की इस बात को याद कर ले, वल्लाह हम कभी गुनाह नहीं कर सकते। अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आपके साथ है, एक बार में जाते हैं मदीने से बाहर, उधर एक गिरी भी पड़ी है, मेरे और आपके आका उठा कर साफ करके खाने लगते हैं, खाते हैं खाते हैं, फरमाते हैं अब्दुल्ला तुम भी खाओ, तुम्हें भूख नहीं लगी। कहा है ससुर नहीं मुझे भूख नहीं है। आप बैठ जाते हैं, फरमाते हैं अब्दुल्ला आज 4th दिन है मेरे पेट में एक रोटी खाना नहीं, 4 दिन हो गए एक रोटी खाना नहीं किया। मेरे नबी खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आप चोर नहीं थे, मेहनत करने वाले थे, नबुव्वत से पहले 62 करोड़ के मालिक थे, 62 करोड़ के मालिक। जब नबुव्वत मिली सब अल्लाह की राह में जुटा दिया और फकर फाका इख्तियार कर लिया, इख्तियारी फाका था ताकि अल्लाह के बंदों को बता सकें कि आदमी मालदारी में नहीं भूख और प्यास की शिद्दत में भी दीन पर चल सकता है, अल्लाह के हुक्म को मान सकता है। कितनी तकलीफों से ये दीन हम तक पहुंचा है,